व्यूअर्स मोहम्मद अरलान अख्तर टीम स्टेट एडवाइजरी की तरफ से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ अगेन जी आज की वीडियो हमारी डी एच ए वैली द टॉप प्रोडक्ट ऑफ आवर चैनल डी एच ए की तरफ से हम ओल डी एच एस में भी काम करते हैं खाली डी एच ए वैली नहीं है डी एच ए वैली है अदर जो प्रोजेक्ट्स हैं डी के वो हैं रूडन इनकलेव है फिर एक दो और प्रोजेक्ट्स हैं हाई राइज के प्रोजेक्ट हैं फार्म हाउसेस के प्रोजेक्ट्स हैं हम उसमें काम काम कर रहे हैं आ, लेकिन क्योंकि सबसे ज़्यादा व्यवरशिप इस चैनल की है तो मैं भी थोड़ा प्रोडक्टाइज करता हूँ इस प्रोडक्ट को आ, इस वक्त हम लोग खड़े हुए हैं जी मेन जो बुले बॉड गुजर रहा है बोगन वेला और मोगन इसको मैगनोलिया को कनेक्ट कर रहा है अगेन आज की वीडियो भी जी ना तो ख़रीदने के लिए है ना बेचने के लिए है डेवलपमेंट वर्क दिखाना मकसद है थोड़ा सा इंक्रेज करना मकसद है जिन लोगों ने ऑलरेडी प्लॉट लिए हुए हैं या जो इफेक्टिव्स हैं वो वेट कर रहे हैं काफ़ी अर्से से इससे पहले मैंने दो एपिसोड्स अपनी बनाई थी फर्स्ट मैंने ब्लू बेल ब्रिज पे बनाई थी फिर उसके बाद मैंने रोज ब्लॉक के बुले पे खड़े होकर बनाई इस वक्त मैं कनेक्टिविटी पॉइंट जो है ओलियडर बोगनवेला और मैगनोलिया तीन ब्लॉक्स का मैं उस जगह पे खड़ा हुआ हूँ प्राइसिस की बात करें तो प्राइसिस की बात बिल्कुल नहीं करूँगा हर दूसरे कस्टमर को पता है बस इतना बताऊँगा कि अगर ख़रीदने का आपका प्लान है तो दैट इज़ द राइट टाइम ए का आपको लास्ट एपिसोड में बता दिया था आर्मी पब्लिक स्कूल एक्टिव हो चुका है अगर आप इनको लेफ्ट साइड पे थोड़ा सा जूम करके दिखा सकें तो वो सामने ओलिएंडर ब्लॉक के ओलिएंडर होम्स डीएचए होम्स आठ मरला और पाँच मरला होम्स जो हैं वो तो जहाँ पे लाइट्स जल रही हैं वो बने हुए हैं लेफ्ट साइड पे हमारे बोगनवेला ब्लॉक है बोगनवेला ब्लॉक का अगर आप इनको बलेबॉट जूम करके दिखा सकें तो हॉर्टीकल्चर वर्क स्टार्ट हो चुका है प्लांटेशन में इन बुले वॉट पर हो चुकी है बुले वॉट कलर सही से इधर रोड से कनेक्ट कर चुका है और काफ़ी क्योंकि जो ब्लॉक्स इनके एक दो ब्लॉक्स पीछे ख़त्म हो गए थे डैम में आ गए थे उनको रीलोकेट करके प्लॉट्स को इधर डाला गया है तो एक काफ़ी बड़ा ब्लॉक बनाया बो, बोगन वेला का जो है और बोगन वेला का जो है अगर आप पसंद की बात करें तो मैं थोड़ा सा प्रोटाइज करता हूं, क्योंकि शुरू से बाकी ब्लॉक्स के हिसाब में इसमें जो थे वो गैप्स अवेलेबल थे प्राइसेस में गैप्स अवेलेबल थे अभी भी अवेलेबल है ऑल दो उतने गैप्स नहीं हैं लेकिन गैप्स अवेलेबल हैं गैप्स कस्टमर इन्जॉय करता है इन्वेस्टर इन्जॉय करता है पर्पस तो डीएचए में घर बनाना होता है या डीएचए में इन्वेस्ट करना होता है तो वैदर यू इन्वेस्ट इन ब्लू बेल्ट और वैदर यू इन्वेस्ट इन बोगनवेला तो मोर और लेस सेम चीज़ें हैं फॉर एग्जांपल आप उधर एक चीज़ लेते हैं सत्तर लाख रुपए की आठ मरल की प्लॉट है और वही चीज़ अगर आप साठ लाख रुपए की लेते हैं तो ये भी डीएचए की प्लॉट है सत्तर वाला नब्बे पे जाएगा बीस लाख का प्रॉफिट बनेगा तो साठ वाला भी अस्सी पे जाएगा प्रॉफिट आपका बीस लाख ही बनेगा खैर दैट इज़ अ डिफरेंट डिबेट डिटेल्ड आज एक विज़िट किया है जी अलहमदिल्ला जो चीज़ आपको बताई थी वैसे वक्त के साथ होती चली जा रही है हर आने वाला दिन गुज़रे दिन से अच्छा है तो डीएचए वैली के बारे में आपकी कोई भी क्यूरी है यू कैन कॉल अस यू कैल यू कैन कॉन्टेक्ट अस मार्केट में दो किस्म के वर्ड्स चल रहे होते हैं एक पॉजिटिव लोग होते हैं एक जिनका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा पॉजिटिव लोगों को मैच नहीं करता सूट नहीं करता तो उन लोगों के कमेंट्स का बिल्कुल ऑनर है इज़्ज़त है, लेकिन ओवरऑल एक परसेप्शन चेंज करने की बात है कि डिले जो होना था हो गया इफेक्टिव हैं है। मैं बीइंग अ रियल्टर इसमें कुछ नहीं कर सकता व्हाट आई कैन डू मैं आपको गाइड कर सकता हूँ सॉरी <coughs> आपको गाइड कर सकता हूँ आपको इनक्रेज कर सकता हूँ आपको एक अच्छा रास्ता बता सकता हूँ रिगार्डिंग डी एच ए वैली और डी एच ए और किसी भी प्रोडक्ट तो जो मेरा रोल है मैं कोशिश करूँगा मैं वो अपना रोल प्ले करता रहूँ बाकी आपका कोई भी डी एच ए का कंसर्न है यू कैन कॉन्टेक्ट अस अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा न्यू एपिसोड में दोबारा मुलाकात होती है वालेकुम